क्या तुमने कभी कोई एमएलए को, क्या तुमने कभी कोई एमपी को, क्या तुमने कभी कोई मुख्यमंत्री को बच्चों के माता पिता के साथ खड़े होते हुए देखा है? जब स्कूल की बढ़ती हुई फीस के खिलाफ माँ बाप लड़ते हैं, अपने लिए मांगे करते हैं, तब कोई नेता इनके साथ नहीं आता, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई टिप्पणी भी नहीं करते। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि ये सारे स्कूल नेताओं के हैं, और अगर ये स्कूल ही नेताओं के होंगे, हमारे पास क्या मापदंड होंगे? हमारे गरीब बच्चे जो हुनार हैं, वो हुनार कैसे बनेंगे शिक्षा के अभाव में? हमारे टैक्सों के पैसे से आप सड़कें बनाते हैं, फ्लाईओवर बनाते हैं, फास्टैग का रेट बढ़ाते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हमारे टैक्सों के पैसे से आप इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं बना सकते? आपने इतनी सड़कें बना दी, आप व्यापार को डेवलप कर रहे हो, लेकिन हमारे बच्चों के लिए शिक्षा का क्या मापदंड बना? इतनी महंगी फीस, प्रत्येक प्राइवेट स्कूल हर साल फीस बढ़ा दी जा रही है, सरकारी स्कूल लिमिटेड हैं, ये बच्चे कहाँ जाएंगे? तो कृपया करके हमारे टैक्सों का पैसा ना केवल सड़कें और फ्लाईओवर बना के मत दिखाइए, पहले विद्या की जगह बनाइए, यानी कि विद्यालय। अगर आपको ये गलत लगता है मेरा सवाल, तो मुझे बताइएगा, लेकिन भारत के हर कोने से आवाज उठ रही है कि सरकारी स्कूल इंग्लिश मीडियम क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि कोई भी राज्य सरकार, कोई भी केंद्र सरकार तैयार नहीं है अपने राज्य के नागरिकों को बेहतर सुविधा देने के लिए, फिर उनको नेता कोई मानेगा क्यों?